हेलो फ्रेंड्स, हुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली का मटन कोरमा। तो उसके लिए हमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमने ये आधा किलो मटन ले लिया है जो हमने वॉश कर लिया है, और हमने मसाले में देख लीजिए 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, नमक 1 चम्मच, ज़ीरा 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी। गरम मसाले में देख लीजिए ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जावित्री, इलायची, ये सब लिया है। और 1 कटोरी हमने दही ली है, और हमने 2 प्याज को फ्राई कर लिया है। ये दही और हम प्याज को मिक्सर में चला लेंगे। तो देखिए हमने प्याज और दही को मिक्सी में चला लिया है, अब इसे हम किनारे रख देंगे। अब हमने वही तेल लिया है जिसमें हमने प्याज तली थी। तो देख लीजिए इसमें हम गरम मसाले डालेंगे, तेल ज़रा होने देंगे, फिर हम इसमें गरम मसाले डालेंगे। तो हमारा तेल हो गया है, अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे सारा। गरम मसाला होने देंगे, हम बाउल ले लेंगे जिसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे, और ये गोश्त भी डाल देंगे इसी में। और 1 चम्मच हम भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और हमने जो दही का और प्याज का मिक्सर तैयार किया है ये भी हम इसमें डाल देंगे। फिर इसको मिक्स कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ये मिक्स कर लिया है, अब हमने इसे जो ये हमारे गरम मसाले हो गए हैं अब इसमें हम डाल देंगे, और इसे हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता है, नहीं तो हमारी दही फट जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, ये अब इसमें एक बॉयल आ गया है, और अब इसमें हम पानी डाल लेंगे, और इसमें हम सीटी लगाएंगे। एक गिलास हमने पानी डाल दिया इसमें, अब हम इसे सीटी लगा देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमने इसमें सीटी लगाने रख दी है, फिर ये पकेगा 5-6 सीटियों में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमारा अब ये कोरमा तैयार हो गया है, हमने डिश आउट कर दिया है, और ये दिल्ली का हमने मटन कोरमा बनाया है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत शानदार, बहुत टेस्टी बना है ये। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।